और जो विभिन्न संगठनों से मेरे भाई बहुत दूर दूर से आए उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मुझसे पहले शायद हर बात पर पूरी तरह से अलग अलग संगठन के पदाधिकारियों ने आपके सामने सिर्फ एक ही बात रखी कि हम किस तरह से एक मंच पर आकर जो मनुवादी ताकत हम लोगों को चारों तरफ से मार रही है उसको किस तरह से हम हरा सकें या किस तरह से उसका सामना कर सकें और इसका कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हैं। यहाँ पर हर आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस है और हर आदमी अपने अपने फील्ड में मास्टर है और हम जैसे डॉक्टर साहब ने कई बार आपसे कहा कि हम हर तरह से आपके साथ हैं, आप जिस तरह से भी करना चाहें, जिस पॉइंट पे हमसे डिस्कशन करना चाहें हम उस बात को आपकी तरफ से मानने को तैयार हैं, क्योंकि जब तक हम मानेंगे नहीं तो शायद आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि हम आपके ऊपर अपनी बात को थोप रहे हैं। दोस्तों हम आपस में इस मन मुटाव को जब तक खत्म नहीं करेंगे तो जब तक हम कहीं भी किसी भी फील्ड में किसी भी पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते। तो हमारे पास कितने संगठन कितनी पार्टी इस देश में काम कर रही है और वो बहुजन की पार्टी मेरे ख्याल से ज्यादा है और उन लोगों की पार्टियां शायद कम है क्योंकि हम लोगों ने पार्टी तो बना ली मगर उस पार्टी के झंडे के नीचे शायद जो काम सक्रिय रूप से करना चाहिए वो हम शायद नहीं कर पाए। तो इसका जो मेन कारण है सिर्फ यही है कि हमारे में विघटन है। हम आपसे सिर्फ यही कहते हैं कि हम संगठित हो जाए एक झंडे के नीचे एक मंच के नीचे अपने अपने आप संगठन चलाइए अपनी अपनी प्रधानी अपने अपने जो भी कुछ आप कर रहे हैं करिए। उस चीज से हमें कोई सरोकार नहीं है, हम कोई उसके लिए दबाव नहीं डालेंगे कि आप अपना संगठन छोड़ के आइए या अपने संगठन को खत्म कीजिए या हमारे साथ विलय कर लीजिए। हम तो सिर्फ एक मुद्दे पर आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि कोशिश करके 2019 का जो चुनाव है इसके अंदर हम संगठित हो जाए अपने ताकत को। ये जो मनुवादी जो लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया हुआ है इसके अगेंस्ट हम एक ताकत बनके उभरे और इनको दिखा दें कि जब हम फील्ड में उतरेंगे तो आपकी मौका नहीं कि हम लोगों का सामना कर सको। दोस्तों दिल्ली की 7 सीटें जो आज लोकसभा की है वो तो सभी को मालूम है कि हर लोकसभा की सीट पर वर्चस्व हमारे आदमियों का है और वोट भी हमारे आदमियों का है। जब वोट हमारा है और हमारे ही आदमियों का है और राज हम नहीं कर पाते हैं उसमें कहीं ना कहीं शायद हमारी कमी है। उस कमी को हम ढूंढें और कोशिश करें कि आने वाला समय हमारा हो। इसी के साथ में कभी ज़्यादा लंबा कहने से फायदा नहीं और मुद्दे की बात थी मैंने आपको कह दी। जय भीम जय राम।